आजकल एक बड़ा तमाशा सा चला है, आप लोग देख ही रहे होंगे। लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उसने इतने मंदिर बनाए और इतने भंडारे किए, इतने पैसे लुटाए और इतना रुपया और इतनी बिटियों की शादी कराई और इतना भंडारा कराया और पुण्य नहीं मिल रहा है। मैं आपको गारंटी लेकर कह रहा हूं कि पुण्य मिलेगा, पुण्य चौराहे पे आपको ढूंढेगा, आगे पीछे फिरेगा। लेकिन एक काम हमारे कहने से आपको करना होगा, तुमने कहां कहां पैसे लुटाए ये तो तुम्हारी डायरी में लिखा है, लेकिन तुम कहां से लूट के लाए ये भी तो लिखिए। तो वो आप लिखना नहीं चाहते, तो खाली भगवान को पागल समझ रहे हैं आप। अगर तुम्हारे कमाई का तरीका धर्म है तो ये लुटाने का तरीका धर्म नहीं होगा। आज लोग ये समझते हैं कि जब हम कमाते हैं तो उस समय पर भगवान के ऑफिस में ताला पड़ा है, और जब हम एक कंबल किसी को बांटते हैं तो भगवान देख ले, है ना। तो ये क्या मतलब हुआ, जब तुम कमाने का तरीका तुम्हारा ठीक नहीं है तो लुटाने का तरीका भी धर्म नहीं होगा। अगर यही धर्म की व्याख्या हो तो आप सब ने देखा है, आप सब उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर एक नहीं हजारों डाकू हुए, बड़े बड़े नाम वाले डाकू हुए, लेकिन उन डाकुओं से ज्यादा पूजा कोई नहीं कर सकता, उनसे ज्यादा मंदिर कोई नहीं बना सकता। वो तो चाहे सवा कुंटल पीतल चढ़ा दें, लेकिन माई उन पे खुश नहीं हुई। क्यों? माई को पता है कि ये सवा कुंटल पीतल कितने के आंसू गिरे होंगे तब ये लूट के लाया। तो अगर यही धर्म है तो कोई भी धर्म कर लेगा। धर्म का मतलब है कि आप कहां से कमा के ला रहे हैं, तब उसको कहां खर्च कर रहे हैं। इसलिए दो चौपाइयां मानसकार ने दी, जिमी सारी तासागर महु जाई, जिमी सारी तासागर महु जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, यद्यपि ताही कामना नाही, किम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, किम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्म शील पही जाही सुभाए, धर्म शील पही जाहि सुहाए, सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, जिमि सरिता सागर महु जाई। सागर ने सरिता को कभी आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सरिता अपने आप सागर की तरफ जाती है। तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। सुख और संपत्ति धर्मशील प्राणी के पास स्वाभाविक ढंग से जाती ही है। कमाने के तरीकों को ठीक रखिए। आजकल सब जगह धर्म पर भी बड़ा कुठाराघात हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। हम लोग तो बड़े परेशान हैं, देख के ही परेशान है कि हो क्या रहा है। कई जगह हम देख रहे हैं झंडा बांधने जा रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्राली पलट गई। अरे अरे माई में कोई सामर्थ नहीं है, ट्राली पलट गई। अच्छा माई में सामर्थ नहीं है ना, और सामर्थ होती थी ट्राली क्यों पलट गई। अरे भले आदमी,
माई ने ये कहा था, झंडा हाथों में लेकर श्रद्धा से मेरे चरणों में चढ़ाना, सुबह सुबह जलपान करना, सुबह केवल अन्न ग्रहण मत करना, आकर के श्रद्धा से माथा टेकना। माई ने ये कब कहा था कि झंडा बांधने आना तो शराब पी के ही आना। अरे ये ट्राली नहीं पलटेगी, तुम तो माई को पलटने पे लगे हो, क्या तमाशा मचा रखा है। अरे ये शराब पी के झंडा चढ़ाने जा रहे, ये पुण्य है कि पाप कर रहे। तो हम पाप को हवा दे रहे हैं, अपुण्य का नाम लिख रहे हैं। किसने कहा था कि इतने लोग शराब पी के झंडा चढ़ाने जाएंगे, वो तो पलटेगी ही, यही होगा। क्योंकि हम धर्म को वहां ले जाना चाह रहे हैं जहां उसका कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान कहते हैं थोड़ा करिए, लेकिन उसका ध्यान तो रखिए कि अधर्म ना होने पाए। इसलिए हम लोग चिंतन करें।